हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं कहीं तो मैं जा रही हूँ। तो दोस्तों, मैं जा रही हूँ माथेरान। तो नेरल हम पहुँच चुके हैं और नेरल का स्टेशन कुछ इस तरीके से दिखता है दोस्तों, काफ़ी शांत एंड पहाड़ वाला एरिया। तो फ़िलहाल हम नेरल पे पहुँचे और दोस्तों लगी है बड़ी तेज़ भूख, तो यहाँ पर हम निकले दोस्तों। आफ्टरनून में 2 बजे का हमने ट्रेन लिया थाने स्टेशन से और अभी हम पहुँचे हैं यहाँ पे थोड़ा नाश्ता करते हुए और चाय पीते हुए। तो बाबू चाय पिया तूने? बाबू छोटा सा अखिलेश ने क्या बोला दीदी? टी टाइम हमारा ग्रुप गया था और दोस्तों चाय बड़ी अच्छी थी। चाय तो भाई कोई भी चीज़ के लिए हम मना नहीं कर सकते और इट वाज रियली टेस्टी, काफ़ी अच्छा था। और इसके बाद दोस्तों हमने यहाँ से एक गाड़ी बुक की क्योंकि नेरल से 6 किलोमीटर की दूरी पर माथेरान है, पहाड़ पे जाना होता है। तो हमने 100 रुपये पर हेड पे किया। रास्ता बहुत ही खूबसूरत था। हम अब गए थे फरवरी के मंथ में, तो बहुत ऐसे थोड़ी सी धूप, हल्की सी ठंडी, बहुत ही प्यारा वेदर था दोस्तों। और रास्ते में जब हम जा रहे थे तो यार ड्राइवर तो क्या ही स्पीड में, हमको समय नहीं लगा 15 से 20 मिनट में हम पहुंच गए थे अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे, यानी माथेरान में हम पहुंच गए थे। तो दोस्तों ये जो सफ़र था थोड़ा सा एडवेंचरस रहा क्योंकि जो ड्राइवर था थोड़ी तेज चला रहा था और व्यू बहुत ही खूबसूरत दोस्तों मिल रहे थे ऊपर से, मुझे तो मज़ा ही आ गया। और दोस्तों इसके साथ जैसे हम पहुँचे वहाँ पे, तो मैं आपको थोड़ा सा ऊपर का नज़ारा दिखाती हूँ। तो बेसिकली ये जो है ये मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री करते हैं। सामने वाला जो ब्लू बोर्ड आप देख रहे हैं, यहाँ पे कार पार्किंग का एरिया है और अंदर जाने के लिए हमको टैक्स पे करना पड़ता है, टैक्स बोलो या जो भी बोलो। तो 50 रुपये जो है बड़ों के लिए पे करना होता है, 25 रुपये बच्चों के लिए। माथेरान तो पहुँच गए और यहाँ से बाई वॉक जाना है कम से कम और आधा घंटा। टैक्सी वाले ने 100 रुपये लिया पर पर्सन और यहाँ से कुछ हाफ एन आवर चल के जाना है, फिर उसके बाद हमारा होटल है। सुहाना सफ़र और ये मौसम हसीन। दोस्तों यहाँ पे घोड़े आप देख रहे हैं और खाने पीने की चीज़ आप देख रहे हैं। तो दोस्तों ये जो होते हैं ना सौंफ, हरी वाली सौंफ, पेरू, कटे हुए आम, बेर, ये 20 रुपये का बेच रहे थे। और जैसे हम थोड़ी दूरी पे पहुँचे दोस्तों, हमने ये रियलाइज़ किया कि जो बच्चों वाली फैमिली है बिल्कुल पैदल इतनी दूर नहीं जा सकती। हाँ, ये कितना क्यूट मोमेंट दिख रहा है। तो हमने डिसाइड किया कि हम दोस्तों घोड़ा लेंगे जो बच्चों वाली फैमिली है या बच्चे हैं, और 300 रुपीज़ जो है घोड़े वाले ने चार्ज किया। थोड़ा लंबा है तो भाई घोड़ा तो लेना पड़ेगा। दीदी काम को पकड़ लो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है फोन को उतारने के लिए। So, दोस्तों हॉर्स राइड लेना माथेरान के रास्ते पे बहुत अच्छा लगता है, यानी क्योंकि वो टुक टुक की आवाज़ और साथ में आप जो नज़ारों का मज़ा लेते हुए जाते हो तो काफ़ी अच्छा लगता है। दोस्तों मेरी हिम्मत नहीं हुई कि मैं बैठी बट मुझसे हो नहीं पाया और फिर हम जो है वॉक पे निकल गए। तो तुम क्यों नहीं बैठे? इसको ना तगड़क तगड़क कर दो, ये ढोलो निकल गए, ये टुकटुक में हवा निकल गई। तो भाई मैं घोड़े पर से उतर गई तो यहाँ पे मेरी खिंचाई हो रही है, बट एनीवेज भाई बज रहा है 6:30। आधे लोग तो घोड़े से गए, मैं बैठी बट हो नहीं पाया, बोला चलो पैदल ही चलते, इसी बहाने थोड़ा वॉक हो जाएगा, है ना? तुमको कैसा लग रहा है बेटा? वॉक करना है अभी और पता नहीं कितना, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर जाना है, पता नहीं, देखते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम पहुंच गए सिसिल होटल, बहुत ही अच्छी जगह है, चलिए मैं दिखाती हूँ आपको।
तो दोस्तों ये हमको घोड़े वाले ने वहीं पे उतार दिया, तो हम पीछे से एक्चुअली होटल में पीछे से एंट्री कर रहे हैं। और जब हमने यहाँ पे आए, मैं आपको सारी चीज़ें आगे बहुत अच्छे से दिखाने वाली हूँ, ये प्रॉपर्टी कैसा है और सब कुछ। तो फिलहाल तो यहाँ पे पहुँचे, मैं यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा जो है, व्यू है, वो थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे अंजलि बात कर रही है कि भाई डीजे वीजे है कि नहीं, तो कह रहा है कि नहीं, 10 बजे तक ही सिर्फ जो है अलाउड है डीजे का। तो यस, वी विल गोइंग टू एंजॉय दैट ऑल्सो। और ये जो रूम है सामने वाला आप देख रहे हैं, वो हमको मिला है। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए अपने होटल में। ये होटल का नाम है होटल सिसिल करके है, और हम लोग बाय वॉक करके आए, तो कितना हाफ एन आवर में हम लोग पहुंच गए थे। मतलब माथेरान का जो आपने देखा स्टार्टिंग जो पॉइंट था, जहाँ से हमने टिकट निकाला, वहाँ से आन के यहाँ तक हमको बाय वॉक हाफ एन आवर वॉज इनफ। और हॉर्स पे जो आए हो 15-20 मिनट में पहुंच गए थे। और रूम में आपको दिखाती हूँ, इट इज सो स्पेसियस मैन। सोनू तो आके वहाँ पे सो गया है मस्त में, एंड आप देख सकते हैं कितना बड़ा रूम है। और फैन दिखाती हूँ मैं, ये देखें, बहुत ही मस्त फैन, एसी वाला रूम है। और वैसे भी ज़रूरत है नहीं एसी की, क्योंकि ऑलरेडी ठंडा है। और मैं आपको वॉशरूम दिखाती हूँ, ये जो है दिस इज, पीछे कुछ ऐसे पुराना सा कबर्ड सा रखा है, थोड़ा अजीब है बट ठीक है। और वॉशरूम जो है ना, तो वॉशरूम काफ़ी क्लीन है, गीजर वगैरह है। सबसे ज़रूरी है वॉशरूम अच्छा क्लीन होना चाहिए, और वो है। और रूम दोस्तों काफ़ी स्पेसियस है, तो ऐसे हमने 5 रूम बुक किए हैं, 5 रूम। और 5 रूम में हमको ये जो रूम मिला था, दैट वाज फॉर एक्चुअल प्राइस जो है वो 4000 कुछ है, बट हमने हम 9 लोग हैं, 9 बड़े लोग हैं और 4-5 बच्चे जितने आप देख रहे हैं साथ में, तो सबका हमको ओवरऑल जो पेमेंट हमने किया है वो 8500, मतलब 8300 किया है। और रूम बहुत ही अच्छा है, देखिए ये पूरा आप देख रहे हैं ना, पीछे से लेके जितना, मतलब 4 रूम तो यहाँ पे है, ये 4 रूम एक लाइन में और प्लस वहाँ पे एक है, लेकिन हमको उसकी ज़रूरत नहीं, बिकॉज ऑलरेडी 1 रूम जो है हमने एक्स्ट्रा बुक किया, और काफ़ी स्पेस लग रहा है। और बाहर का मैं आपको थोड़ा सा नाइट व्यू दिखाती हूँ, वहाँ पे स्विमिंग पूल है जो अभी फिलहाल जो है, और यहाँ पे बच्चों का ग्राउंड है। ये सब मैं आपको डे में वापस से दिखाती हूँ, सारा लाइटिंग जो है पेड़ पे इस तरीके से किया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे रुका है अक्षत, अक्षत एंड फैमिली, तो ये दो जन देखो गाइस, ये बहुत अच्छा रूम है जैसे कि आप देख सकते हैं। हाँ ना, मुझे इसका फैन बहुत अच्छा लगा, दिस ऊपर का सीलिंग वगैरह काफी अच्छा है और बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे। चाय वाले, तुम्हारे रिक्शे में नहीं आता है क्या? और भी चाय, अच्छा चलो, और चाय और क्या चाहिए तुम लोग को? चाय और चाय, नहीं ऐसा नहीं, आपको कुछ चाहिए तो आप बोल सकते हैं। दोस्तों 7:30 हो रहा है, शाम का 7:30 हो रहा है, और चाय नाश्ता अभी बनाने के लिए बोला है, थोड़ा सा आए हैं यार, तो चाय मतलब ब्रेड एंड बटर बोला है, और उसके साथ में पोहा और चाय, तो ये सारा चीज बोला हुआ है। और यहाँ पे बच्चे जो है, अब थोड़ा सा हम स्विमिंग पूल के यहाँ पे आए हैं, 7:30 बज रहे हैं, बट बच्चे कहाँ ही कंट्रोल करेंगे अपने आप को, तो देखिए यार। दोस्तों सामने का वो 4 रूम आप जो देख रहे हैं वो हमने लिया है, और उसके जस्ट बाजू में ये भी सारे ऑक्यूपाइड ही हैं, लोग हैं यहाँ पे। और ये जो है मेन इनका जो हम बोलते हैं ना एंट्री का जो है वो है, और यहाँ पे जस्ट एंट्री के सामने ये स्विमिंग पूल। और तो अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने, चलो 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 जल्दी नाश्ता करते हैं। चाहिए ना तुम लोग, चाय चाय चाय। अपने रूम में कितना अच्छा वो कॉफी वगैरह है यार, वो कौन बना के पिलाएगा रे? कॉफी कोई बना के पिला दे। अंजलि को चिंता हो रही है कि कॉफी जो रूम में रखा उसको कौन बना के पिलाएगा। पूरा संगे इधर बैठो, इधर बैठो, बहुत अच्छा लग रहा है।
पानी। देख भाई क्या बहू ज्ञान दे रही हूँ, मतलब फ्री की चीजों को छोड़ना ही क्यों है, मुफ्त लेना चाहिए, ऐसे नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं फ्री की चीजों को ले रही हूँ। ये होटल रूम में जाते हैं तो टॉवल तो फ्री का नहीं रहता ना, साबुन रहता है तो वो हम लोग ले लेंगे, मैं ले लेगी साबुन शैम्पू व्हाटएवर जो भी मिलेगा मैं सब लेके जाऊंगी। मतलब आप फ्लाइट में जाते हो, हर जगह जाते हो, सब उठा उठा के लेके आते हो, जो पैसा फेंकी भैया जो चीजों में मजा नहीं हो फ्री वाली चीज। भाई आप लोगों में से ऐसे कौन कौन से लोग हैं कि जो भी जैसे फ्लाइट में गए या ट्रेन में या कुछ भी व्हाटएवर, तो आप लोगों को फ्री की चीजें मिल जाती है ना, तो घर पे लेके आने वालों में से हो या वहीं छोड़ के आने वाले? यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वहीं घर पे लेके आ जाते हैं, और मैंने आज तक तो कोई चीज लाई नहीं है। ठीक है आज ले लेना, देख कितना मजा आता, तू यूज करके देख कितना मर गई यूज करने। क्या बोल रही है? मैं बोल रही हूँ आज लेना, देखना कितना मजा आता है फ्री का चीज यूज करने में। अच्छा ये कौन छोड़ रहा है बाबू? डांस कर रहा है बाबू, डांस कर रहा है झूले में। हाँ डांस कैसे करते बाबू? बाबू कैसे डांस करते? अरे अच्छे 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 डांस कर रहे है, ये क्या मस्त यहाँ पेड़ पे लगा हुआ है। वाह 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 वाह, ठंड वंड के मौसम में आ रहे हो तो इस तरीके से आप लोग नो थोड़ा सा चिल कर सकते हो, मजे कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आप एक ऐसी जगह देख रहे हैं जहाँ पे आपको आके एकदम मस्त चिल करना है, आराम करना है, रिलैक्स करना है, यानी लिटरली जब आप थोड़ा सा टायर्ड फील करते हो, काम करते रहते हैं, हम बस काम ही काम करते रहते हैं, तो भाई अगर आपको 2-4 हज़ार खर्च होते हैं, 2-4-5 हज़ार रुपये आपके खर्च होते हैं, लेकिन आप जब पूरी फैमिली के साथ ऐसे आते हो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हो, तो बड़ा ही अच्छा लगता है। और उसमें भी अगर प्रॉपर्टी अच्छी हुई, यानी मतलब जहाँ पे हम जा रहे हैं अगर लोकेशन अच्छा हुआ, सब कुछ अच्छा हुआ, तो और भी अच्छा लगता है। तो मुझे उस हिसाब से काफ़ी अच्छा लग रहा है। कमाल है गया सच्ची। अरे यार सही है, एक शॉट में फर्स्ट वाले शॉट में मैं खेलू गया। अरे क्या बात है यार, पहली बार में 50 निकाल लिया, कमाल है। चलो मैं भी खेल के दिखाती हूँ उनको। गाइस बहुत मजा आ रहा है, डिनर जो है वो रेडी हो रहा है और हम यहाँ पे कर रहे हैं मजे। उसके बाद हम करेंगे डिनर, सो जाएंगे, उसके कल सुबह जाएंगे घूमने। तो दोस्तों मैं कम से कम 10 मिनट से खेल रही हूँ और मेरा एक भी गोटी गया नहीं है। चलो मैं तो इतनी बुरी हूँ। चलो ये जाएगा जाएगा ये जाएगा। अरे गया 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 गया। दोस्तों खाना जो है वो लग चुका है, चलिए देखते हैं कि खाने में क्या क्या है। और काफी बड़ा एरिया है और खाने में क्या क्या है वो देख लेते हैं। तो ये और क्या क्या है भाई खाने में दिखा दो। ये सूप, वेज कोल्हापुरी, पनीर बटर मसाला, आलू की सब्जी और पराठा, जीरा राइस, दाल, दाल भी बहुत मस्त वाली लग रही है ऐसे एकदम, दाल और दूधी हलवा। ओ माय गॉड वाओ। सो दोस्तों यहाँ पे बुफे टाइप सिस्टम है, खाना इस तरीके से है पूरा। और काफ़ी बड़ा स्पेस है खाने का। All are enjoying their food. So दोस्तों अभी बज गए हैं रात के कितने? 11 बज गए, 11 ही बज रहे हैं। अरे वाह। So दोस्तों ये है मेरा बेटा सोनू, तो बस खाली मोबाइल में रहता है बस। मैं खेला नहीं,
नहीं तो अभी तो तुम मोबाइल में घुस गया ना, क्योंकि अभी कुछ है नहीं करने को, बताओ ना क्या करने का। अच्छा ठीक है, अच्छा ठीक है, नमस्कार माधव। जा रहे तुम लोग, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट। सतेंद्र जा रहा है अपने रूम में, तो सारे कपल तो भैया अपने अपने रूम में चले गए और अब हम जा रहे हैं सोने। सोनू सोएगा वहाँ पे और हम और हमारे वो सोएंगे यहाँ पे। उसे पानी भरा है तो यहाँ पे पानी का रखा हुआ है। ये टीवी बिग बॉस आता होगा। सो बेड हमारा ऐसे मेसी पड़ा है और ये टॉवल वगैरह सब इन्होंने दे रखा है। सुबह ये हमारे काम बहुत आने वाला है, ये सारे टॉवल्स। हम और अब हम जा रहे हैं सोने। यस गाइस। सो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह मॉर्निंग में, और कल हम देखते हैं माथेरान को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे। माथेरान एक्चुअली अगर घूमने जाए तो बहुत सारे जगह है, बट देखते हैं कल हम कहाँ कहाँ जा पाते हैं और मस्त कल वाला और टाइम निकालेंगे। और अभी हम थोड़ा सा टाइम पास करेंगे और सो जाएंगे और कल सुबह मिलती हूँ मैं आपसे। हाँ ये बोर्ड ओढ़ने का है, तो यस ये ओढ़ने का है, तो कल सुबह अब हम मिलेंगे आपसे, है ना। तो गुड नाइट, ख्याल रखिए, कल सुबह बात करते हैं। गुड नाइट।